शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी महादेव के भक्त हैं और हम सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं ताकि हम महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन महादेव किसके भक्त हैं? वे उनके आराध्य हैं श्री हरि विष्णु जी। तो आप सभी जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और जो चलेगा 15 नवम्बर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसमें यदि हम श्री हरि विष्णु और महादेव दोनों की ही कृपा प्राप्त कर सके तो हमें अवश्य ये कार्य करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी इस समय 4 महीने की निद्रा के दौरान सोए होते हैं जल में। उस समय पर सारा कार्यभार हमारे महादेव ही देखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उसी कार्तिक मास से रिलेटेड है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन से नियम लेने चाहिए, क्या कार्य करने अनिवार्य हैं और किन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, संपूर्ण जानकारी हम उसके लिए प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बतलाया गया है। ये मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समस्त देवता मनुष्यों के समीप आते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में और इस महीने में किया गया दान, स्नान, पूजन, व्रत, स्वर्ण चांदी का दान, भूमि दान, गौ दान आदि का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। जो दान करने में असमर्थ होते हैं, यदि वे प्रतिदिन प्रसन्नता श्री हरि विष्णु का भजन या उनके नामों का सुमिरन भी कर ले तो भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास के कथा पढ़ी व सुनी जाती है तो वो भी अनंत पुण्य के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कार्तिकेय ने इस मास में तारकासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस मास को कार्तिक मास कहा जाता है। इस महीने में कुमार कार्तिकेय की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यह मास अश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ज्यादातर भक्तजन कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान दान जप तप ध्यान और व्रत करते हैं तथा कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ते या सुनते हैं। परंतु वैष्णव मत के अनुसार अश्विन शुक्ल एकादशी, जिसे पापकुंशा एकादशी भी कहा जाता है, तभी से व्रत और नियम पालन शुरू कर दिए जाते हैं। वे भी कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ते या सुनते हैं या देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज पंचभीकम की कहानी पढ़ी जाती या सुनी जाती है। तो दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे जाते हैं। इन्हें करने योग्य कार्य भी कहा गया है। 2 अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि सूर्य को अर्घ देना और गौदान करना। लेकिन इनके अलावा जो 5 मुख्य कार्य होते हैं वो पहला है सूर्योदय से पूर्व उठना, दूसरा होता है तुलसी का पूजन करना, तीसरा कार्य है हरि जागरण करना, चौथा कार्य है दीपदान, 5वां है उध्यापन। दोस्तों, इन 5 नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक स्नान का महाफल प्राप्त होता है, जिसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पहला प्रातः स्नान, सूर्योदय से पूर्व हमें तारों जब निकल रहे होते हैं तभी उठ जाना चाहिए और शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो किसी तीर्थ पर या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पहले के समय में तो सभी लोग रखा हुआ जो पानी होता था उसी से स्नान करते थे, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग बीमार होते हैं तो वह हल्का गुनगुना पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वे किसी तीर्थ स्थान पर किसी पवित्र जलाशय में जाकर स्नान करें तो वो बहुत ही पुण्य वाला होता है, लेकिन ऐसा ना होने पर आप टंकी के पानी से भी नहा सकते हैं। उसके बाद हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इतनी जल्दी सूर्योदय तो होता ही नहीं है, फिर सूर्य को अर्घ कैसे दें? परंतु दोस्तों, शास्त्रों में भी ये प्रमाण मिलता है कि जब हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे तो वह नदी में ही सूर्य को अर्घ अवश्य देते थे। इसका अर्थ होता है कि सूर्योदय तो तब भी नहीं होता था, फिर भी वो अर्घ देते थे। तो आप अर्घ दे सकते हैं और उसके बाद ही आप अपना कार्य शुरू करें। आप जानते हैं तुलसी पूजन कैसे करना है, तो इसका जो कर्म है तुलसी पूजन, प्रातः स्नान के बाद तुलसी जी का विधि पूर्वक
पूजन करें, धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें तथा कथा सुनें, और आंवला और केले के वृक्ष की भी पूजन करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस महीने तुलसी जी के पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद में सुबह शाम तुलसी जी में दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। केले पर, आंवले पर और पीपल पटवारी पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और हाँ, कार्तिक मास से पहले ही आप इन पवित्र पौधों को अपने घर में ले आएं, और कार्तिक महीने में इन पौधों को उखाड़ना और तोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, कार्तिक महीने में आपको तुलसी जी को सिंदूर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने में वे कुंवारी अवस्था में होती हैं, इसलिए जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता है उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर उन्हें देव उठनी एकादशी के दिन ही लगाया जाता है, क्योंकि उस दिन उनका विवाह किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आप अपने घर पर, घर में, मंदिर में पूजा करें तुलसी पूजन के पश्चात में। इसके पश्चात हरि जागरण, तुलसी पूजन के बाद नित्य नियम से श्री हरि विष्णु का कोई भी नाम का जाप करें, और यदि हो सके तो कार्तिक महात्म्य की कथा पढ़ें या फिर सुन भी सकते हैं। और इस अध्याय के पूरे होने के बाद कार्तिक मास के अंतिम दिन में पांच भीकम यानी कि भीष्म पंचक की कहानी अवश्य रूप से सुननी या पढ़नी चाहिए। चौथा कर्म होता है दीपदान। यदि सामर्थ्य है तो कार्तिक मास के प्रथम दिन से ही, जब तक स्नान प्रारंभ होता है, अखंड दीप भगवान विष्णु के समक्ष जलाना चाहिए। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं होता है तो आप प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में या अपने घर पर ही उनके सामने एक दीपक अवश्य जलाएं। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीपदान करना बताया गया है। इससे सुख समृद्धि मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कह रखा है कि जो भी भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीप दान करता है उसको कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक मास में आकाश दीपदान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। आकाश दीपदान का मतलब होता है खुले आसमान के नीचे दीपक जलाना और दीपक दिखाना, और छत पर किसी ऊंचे स्थान पर रखना। घी का, तिल का, किसी का भी दीपक आप जला सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो सके तो आप अपनी छत पर, बालकनी में एक बल्ब अवश्य लगाएं। उसको पूरे कार्तिक के महीने में रोज दीपदान के समय जलाना आवश्यक है। तो ये भी आपका दीपदान ही माना जाता है और आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा कर्म होता है उद्यापन। इसका उद्यापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के दिन ही होता है। व्रत के अंत में धर्मराज व उनकी बहन यमुना जी की कहानी पढ़ी या सुनी जाती है और उनके निमित्त दान भी देना चाहिए। व्रत के अंत में आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर भोजन कराकर वस्त्र व दक्षिणा देना चाहिए, तभी आपका व्रत सफल माना जाता है। कार्तिक व्रत में शुरू से लेकर के तब तक उठाए गए सभी नियमों का, परहेजों का, हमें श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए और कार्तिक मास के महात्म्य का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, पूरे महीने क्या हमें व्रत करना चाहिए? देखिए, ये तो हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है और हमारे संकल्प पर भी। यदि हम किसी कठिन तपस्या को करना चाहते हैं तो हम कर भी सकते हैं, वैसा इसका कोई विधान नहीं है। फलाहार खाकर व्रत कर सकते हैं, मीठे व्रत कर सकते हैं, या फिर एक समय सात्विक भोजन लेकर भी व्रत कर सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो दोनों समय का भोजन लेकर के भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करके भी इस व्रत को किया जा सकता है। पूरे महीने व्रत करना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, आज के समय में आप अपनी शक्ति और संकल्प के अनुसार ही इस व्रत को करें। कार्तिक मास में वैसे तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन पांच नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और उन्हें करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और दूसरा, कार्तिक मास में कुछ निश्चित कार्य भी बताए गए हैं जिनको कार्तिक मास का व्रत नियम करने वालों को नहीं करना चाहिए। ये सात परहेज इस प्रकार से हैं। पहला, भूमि पर शयन करना। पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, क्योंकि भूमि पर सोने से सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। अगर भूमि पर नहीं सो सकते हैं तो आप अपना बिस्तर अलग अवश्य कर लें। बिस्तर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और हो सके तो घर में पूजा के लिए विशेष रूप से बिस्तर अलग ही होना चाहिए। दूसरा होता है तेल लगाना। कार्तिक मास में शरीर में तेल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। यदि सिर पर तेल लगाना पड़ भी जाए तो केवल सिर पर ही लगाइए, लेकिन पूरे शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, यह कार्य वर्जित है।
केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाने का। तीसरा होता है लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा शराब आदि से हमें दूर रहना चाहिए। पांचवा नियम होता है दलहन खाना निषेध माना गया है। कार्तिक महीने में द्विदलहन अर्थात जो दाल दो टुकड़ों में बट जाती है जैसे उड़द मूंग मसूर चना मटर राजमा जिनके दो टुकड़े हो जाते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में बैंगन और मूली भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग तो सरसों का तेल भी नहीं खाते हैं लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो नियम आराम से हो सके वो ही करें। छठा नियम होता है संयम। कार्तिक मास का नियम करने वालों को तपस्वियों की तरह व्यवहार करना चाहिए। कम बोलें, हो सके तो दिन में ध्यान लगाएं, थोड़ी देर मौन बैठें, किसी की बुराई चुगली और निंदा करने से बचना चाहिए। किसी के साथ छल कपट ना करें, वाद विवाद ना करें, मन तथा वाणी पर संयम रखें क्योंकि आप जितना लोगों से दूर रहेंगे उतना ही आप कम इन सब कार्यों को कर पाएंगे और इसलिए आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगेगा। सातवां होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि आप कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो पति और पत्नी दोनों को ही दोष लगता है तथा इसके अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार पांच करने योग्य और सात न करने योग्य कार्य मैंने आप सभी से बता दिए हैं जिनका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना सपोर्ट मुझे हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।